विशालता पवित्रता महानता सुंदरता त्याग बलिदान छिपा हुआ है इस धरती में। इस कारण ही हमारी संस्कृति ने इसे माता पृथ्वी माता कहा है। इन्हीं सब गुणों को उस परमपिता परमेश्वर ने नारी के रूप में प्रदान किए हैं, इसलिए पृथ्वी से भी बड़ा स्थान नारी को माता के रूप में मिला है। नारी त्रैलोक के जननी, नारी त्रैलोक के रूपिणी, नारी त्रिभुवनाधारा, नारी शक्ति रूपिणी। समय का चक्र चला। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति ने नारी को देव श्रेणी की सत्ता के रूप में जननी, शिल्पी, विधाता के स्तर का सम्मान दिया। ब्रह्मा, विष्णु, महेश के समान ही सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा को भी पूज्य माना। मध्ययुग आया, सामाजिक परिस्थितियां बदली। नारी को स्वर्ग की देवी के उच्च स्थान से घसीट कर दासी जैसे नारकीय स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया गया। उससे उसके नैतिक अधिकारों को भी छीन लिया गया। जन साधारण की मान्यताएं भी नारी समाज के लिए बदल गईं। विद्या की बात तो दूर, अशिक्षा के कारण नारी अज्ञानता के गर्त में चली गई। समाज द्वारा बनाए गए नियमों को वह नियति मानने लगी और उसी तरह जीवन जीने में अभ्यस्त हो गई। नारी को भोग विलास की ही वस्तु माना जाने लगा। रमणी, कामिनी के रूप द्वारा उसे मनोरंजन की वस्तु बनाने की कुचेष्टा की गई। गीत, काव्य, चित्र, मूर्ति, अभिनय, नृत्य, साहित्य आदि से उसकी श्रृंगारिकता को उभारा गया। उस पर पर्दा प्रथा तथा घर तक ही सीमित रहने के प्रतिबंध थोपे गए। लोकलाज की मर्यादाएं सिर्फ नारी के लिए ही बनी। एक तरह से अवांछनीय परंपराओं की लोहे की बेड़ियों से नारी को जकड़ दिया गया। रसोई का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। फिर आया आधुनिक युग। शिक्षा का अवसर नारी को मिला, परंतु वह विद्या अर्थात संस्कार के अभाव में भटक गई। नारी मुक्ति आंदोलन से उसने पुरुष से प्रतिस्पर्धा की, जैसे पुरुष की तरह कपड़े पहनना, बाल कटाना और पुरुष द्वारा किए जाने वाले कार्यों को छीन कर करना। मातृत्व की गरिमा को भूलकर वह अपने स्तर से गिर गई। इस कारण समाज में आए दिन अनाचार, व्यभिचार आदि की घटनाएं घटने लगी। पुरुष ने नारी को सौंदर्य प्रतियोगिता, फैशन शो, विज्ञापन आदि में अपना प्रदर्शन कराया और शिक्षित होते हुए भी संस्कार के अभाव के कारण नारी इसमें गौरव अनुभव करने लगी। अतः यहाँ भी उसका शोषण होने लगा। क्या नारी का सौंदर्य उसे नीचे गिराने के लिए है? क्या नारी शोषण को हम प्रगति का मापदंड कहेंगे? नहीं, हमें नारी को उसके गरिमामय स्वरूप में फिर से स्थापित करना होगा। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा ने नारियों की वास्तविक स्थिति को समझा। उन्होंने कहा कि नर और नारी एक समान हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, परंतु दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग हैं। नारी भाव प्रधान है तो पुरुष कर्म प्रधान। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसमें एक भी पहिया जाम हो जाए तो गाड़ी आगे नहीं जाती। अपनी जगह दोनों ही पहिए सही हैं। हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी, बहन, बेटी, माता या पत्नी के रूप में है। शिवाजी को गढ़ने में जीजाबाई का योगदान था। पथ भ्रमित तुलसी को राह पर लाने वाली रत्नावली ही थी।
नारी निर्मात्री है, वह जिस तरह चाहे पुरुष को गढ़ सकती है और समाज, देश तथा राष्ट्र को आगे बढ़ा सकती है। इसवीं शताब्दी कन्याओं की शताब्दी है। अगली शताब्दी 21वीं शताब्दी में जितने भी राज्य आएंगे और काम करेंगी, बड़ी करेंगी, सब महिलाएं करेंगी। पुरुषों का तो देख लिया कि पुरुषार्थ, हम बड़े पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थी हो तो तुम डाका डाल सकते हो, मार सकते हो, हत्या कर सकते हो, कसाई का काम कर सकते हो, जल्लाद का काम कर सकते हो, शराब पीने का काम कर सकते हो, किसी बहन बेटी की इज्जत उतार सकते हो, तुम भले आदमी का काम कुछ काम करोगे, ये माताएं करेंगी। अतः नारी फिर से अपना क्षेत्र संभाले, पुरुष के साथ प्रतिस्पर्धा न करे, इसी में सबकी भलाई है। नारी जागरण का अर्थ है कि नारी खुद की गरिमा को खुद पहचाने, वह अपनी संवेदनाओं को प्रबल बनाए और भावना सहित प्रतिभा का विकास कर समाज तथा राष्ट्र को ऊंचा उठाने में सहयोग दे। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए कर्तव्यों का निष्ठा पूर्वक पालन करे। नारी के अंदर इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति को देखा नहीं है। दुर्गा भी वही थी और सीता भी वही थी और सावित्री भी नारी थी और जीजाबाई भी नारी थी। ये नारी ही है, ये नारी का ही दिया हुआ संसार है। यदि नारी नहीं होती तो ये नर कहाँ से आ जाते, और ये संत कहाँ से आते, ये ऋषि कहाँ से आते, और जो भगवान कहे गए हैं राम और कृष्ण और बुद्ध, ये सब कहाँ की देन है? ये नारी की देन है ना। तो वो नारी कहाँ विलीन हो गई? अरे कहीं विलीन नहीं हो गई बेटियों, आप में बैठी है, बिल्कुल आप में बैठी है। आप ही सीता हो, आप ही सावित्री हो, आप ही जीजाबाई हो, आप ही कौशल्या हो, आप ही सब कुछ हो। अपने को पहचानो और आगे बढ़ने की कोशिश आप करती रहो। आपका सहयोग, आपकी मदद, हम दिल जान से हम आपकी मदद करते रहेंगे। उसके खोए हुए स्वरूप को फिर से पाने के लिए पुरुष वर्ग उसे आवश्यक सहयोग प्रदान करें, क्योंकि इससे ही भारत अपनी खोई प्रतिष्ठा, खोया गौरव फिर से प्राप्त कर सकेगा। एक सुसंस्कृत माता ही एक सुसंस्कृत समर्थ नागरिक राष्ट्र को दे सकती है, जो राष्ट्र को आगे बढ़ाने में समर्थ होगा। प्रकृति ने नारी को ही निर्माण का अधिकार दिया है, इसलिए नारी जागरण केवल आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक है। लोगों ने एक मान्यता बना डाली कि नारी अबला है, हे है, पद दलित है, उसको दबा दिया जाए। लेकिन नारी की गरिमा को जब याद किया जाए तो एक मील के पत्थर अपने आप में गढ़ते हुए चले जाते हैं। नारी जीवन का शानदार अतीत जब याद करते हैं, पौराणिक काल को देखते हैं उठाकर, तो लगता है विद्या की देवी सरस्वती की तुलना में और कोई देवता नज़र आते हैं, और कोई देवता नज़र आते नहीं। धन की लग देवी महालक्ष्मी की तुलना में धनपति कुबेर बहुत बौने मालूम होते हैं, और महादेवी दुर्गा के सामने तो साक्षात ये लगता है कि सारे देवता ही गोद में खेलने लायक छोटे हो गए। वो देवी दुर्गा अकेली ही सब देवताओं के बराबर थी। राम अगर सीता के साथ नहीं है तब भी सीता अपने बच्चों को वो कुछ बनाने में समर्थ रखती है कि अश्वमेध के घोड़े को भी ललकार सके। दुष्यंत अगर भूल भी जाए अपनी शकुंतला को, तब भी शकुंतला के अंदर वो सामर्थ रही कि उसका बालक शेर के दांत गिनने वाला चक्रवर्ती सम्राट बन सका और इस देश का नाम भारत जिसके बच्चे पे पड़ सका। इस हेतु नवयुग के शिल्पकार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा ने नारी जागरण को अत्यंत महत्व दिया और एक सशक्त अभियान चलाया। उन्हें विश्वास था कि नारी ही नवयुग का निर्माण करेगी। माताजी स्वयं स्नेह, सुसंस्कृति एवं कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक थी। माता जी का महत्व बताते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि हमारा मिशन माता जी के स्नेह छांव में बीज से वट वृक्ष बना है।
इसे बढ़ाने में माता जी ने हमारे हृदय की भूमिका निभाई है। नारी को भूल भुलैया और भटकाव भरे जीवन से निकालकर उसे अपनी गरिमानुरूप स्थान देने के लिए नारी जागरण आंदोलन शांतिकुंज हरिद्वार से प्रारंभ किया गया, जो आज सारे विश्व में फैल रहा है। नारी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए कुछ समय लोक मंगल के लिए निकाले, अपनी प्रतिभा विकसित करे, साथ साथ दूसरी बहनों को ऊंचा उठाने में सहयोग करे, मार्गदर्शन दे। अपने अंदर वह आत्मबल जगाए कि हर कठिन परिस्थितियों का सामना दृढ़ता से कर सके, विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारे और आर्थिक दृष्टि से भी स्वावलंबी बनी रहे। इसके लिए शांतिकुंज में स्वावलंबन विद्यालय को नारी जागरण का अंग बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कुटीर उद्योग जैसे अगरबत्ती निर्माण, सिलाई, गृह सज्जा, बेकरी आदि का शिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यहाँ नवयुग निर्माण हेतु व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण के लिए बौद्धिक शिक्षण तथा व्यवहारिक क्रियात्मक शिक्षण दिया जाता है, जिससे नारी व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं प्रतिभावान बनाकर प्रगति पथ पर अग्रसर हो। ना तो स्लोगन छिलो जे नारी शक्ति जागेगी और ना कि बोललाम जे तुमरा जागो निजे के निजे दायित्व के तुमरा मानो। वंदनीय माता जी नारियों के लिए कहा करती थी, आत्म दीपो भवः, स्वयं प्रकाशित रहो और दूसरों को प्रकाशित करो, एक दीप से दूसरा जले। हे मातृशक्ति, तुम्हारे प्रकाश से यह अंधकार से ग्रस्त समाज फिर से जगमगा उठे। हे परमात्मा की महान शक्ति नारी, तुम अपने को पहचानो, युग निर्माण की नींव तुम, तुम्हारे जागरण से ही युग की तंद्रा टूटेगी। शांति कुंज के ऋषि युगों का उद्घोष 21वीं सदी अर्थात नारी सदी यह सच होकर रहेगी। बहुत सोच की अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी, निज गौरव की वाणी। बहुत सोच की अब तो जागो ओ नारी कल्याणी, बहुत सोच की अब तो जागो ओ नारी कल्याणी। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।